बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय पीपल, हाउ आर यू जनाब एंड वेलकम यू टू द न्यू एपिसोड ऑफ दिल पिशोरी। उम्मीद करें जनाब तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो सो एंड उम्मीद करें जनाब थाने शो ना बहुत बेसब्री नल बहुत एक दुए सी रिमोट छिक के थाने इंतजार की तो होती कि जनाब आज दोबारा कदों हफ्ता आसी ते कदों असी चेहरा कदों हफ्ता असी ते कदों असी माशाल्लाह एक इतना खूबसूरत इंसान जरा बैठा है टीवी से ये दोबारा देखते जनाब किस रंग हो। मैं उम्मीद करा जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, थोड़िया बहुत नेक दुआवा, थोड़िया बहुत नेक तमन्नावा, थोड़ा बहुत नेक खलूस मेरे नाल रिया एंड इसी नेक खलूस नू लैके इसी प्यार मुहब्बत नू लैके जनाब दिल पिशोरी दे इस नवे एपीसोड थोड़े सारे नू खुश आमदीद करना। लास्ट दो हफ्ते बाखुदा बहुत ही मज़ा आया मनू, पता है मैं तुम गल कह जनाब कॉल करने का मतलब ये नहीं होता कि यार यू नो कॉल जो थोड़ी कॉल आती है ना बाखुदा मनु लग जाए कि यार चलो कोई तो भी देख दे बस तो मैं शुरू कर रहा ना लिटरली लाइक लिटरली नो मैं कोई मुबालगा ही पे नहीं कर रहा, मुझे लगता है मैं कल ही अपने आप ही लगाया, लेकिन जो थोड़ा सपोर्ट आता जो थोड़ी कॉल्स आदि जो थोड़े SMS आते हैं हाँ तो लगता है कि यार चलो कुछ थोड़ी जी लेकिन वो कोशिश जी सारे मिलकर की वो कोई ना कोई शायद बल्कि शायद क्यों यकीनन यकीनन रंग लैके आंदी पई है तो इंशाल्लाह अगे भी लैके आसी एने जनाब इंशाल्लाह इस तरह ही सफर कंटिन्यू कर सी। आज द टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग एंड आई वुड लव टू हैव योर कॉल्स, आई वुड लव टू हैव योर मैसेजेस, आई वुड लव टू हैव योर फीडबैक। ठीक है जी, थोड़ा फीडबैक देना मैं बहुत जरूरी हो सी बिकॉज उसकी जरूरत है क्योंकि हम गर्मी भी है ना खराब मैं ही बोल दे माते बार एक साढ़े परसे से भी मसले ने सारा मैं ही बोल देवा तो बात फायदे की होया थोड़ा बोलना जरूरी है, मैं तो बोलते ही रहना जी मनु तो लोग कहते खुदा था वास्ता तू तो चुप करके समझ आइए मैं तो बोलते ही रहना बट द पॉइंट इज कि थोड़ी कॉल्स आवन थोड़े SMS आवन थोड़ा प्यार आवे एंड थोड़ी मुहब्बत आवे। जनाब आई गेस आई हैव अ कॉलर, बगैर टॉपिक स्टार्ट किए कॉलर मेरे कॉल हम चलो गल करना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब किस तरह गल कर दें जी? साजिद महबूब जी। महबूब साहब किस रंग हो, ठीक ठाक हो, खैरियत है? ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਜੀ। ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਰੰਗ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਦਿਨ ਤੇ ਕੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਾਤ ਕਰੀਏ ਕਾਕੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਤਾਓ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਮੋਹਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਆਪ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕੋ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਹਾਂ ਜੀ है पुराने जो लफ्ज़ जड़े साढ़े वड़े बोलते लेकिन अज वो लफ्ज़ नहीं नहीं बोले जाते या बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गए या साड़ी जबान हट गए। तो जनाब अज का प्रोग्राम उन अल्फाज से जी। बिल्कुल जी, अजकल मसला भी ना देखो साड़ी जबान उर्दू आ गई। ठीक है, उर्दू बोलने साढ़े वे जी उर्दू साढ़े बोले इनको बोलते होंगे। ठीक है, गलत इनको अल्फाज होंगे पुराने अल्फाज होंगे अजकल बच्चे बोल रहे हैं उर्दू क्योंकि साड़ा स्टेटस सिंगा इनको दा कोई पुराना लफ्ज याद है तुहानू कि पुराना लफ्ज याद है ले जी ओड़ा होंदा या ओड़ा? हां बोल ओड़ा ठीक ले भी बहुत अच्छे सालन कने दे लोन। हां अला लोन लोन सालन कने लोन ए सालन नु कहंदे न सालन नु रोटी जन के। ठीक है सालन पकाए और हां जी आज लोन के पकाए जी लोन जा जी फलियां गोश पकाया। हां जरा एक लोन दा रख के मां सी पूछ के लोन पकाए डोंगा दा देवे मनु। ठीक है बिल्कुल सही है। हां ये तो एक गला हुंदी है थोड़ी मोटी गला हुंदी है साने कचालू पकाए तुआने भिंडियां पकाए दी की प्लेट ले लो दे लो दाल पकाइए कड़ी पकाइए ठीक है हां जी लेकिन ये लोग तो थोड़े बहुत लोहा होंदे ये होंदे हैं टमाटर नु कने होंदे खट्टे वेंगल। हां सही है ठीक है ठीक है खट्टे वेंगल कने होंदे टमाटर नु के समझो जी। आज एक होंदा है पल्ला रोटियां दा पल्ला दे मनु हैं। हां पल्ला दे ओड़ा चुक पिछोरी हूं निकलिया अंदर थी हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही होना भी चाहिए बाबू भाई। महबूब भाई थोड़ी गल है तुसी बड़े मैंने गल नोट की थी तुसी बड़े मुखलस इंसान हो है ना ते तुसी
अगले मोहब्बत कर दो तो बड़ी बेलोस कर दो बगैर तमीदी कर दो ये बड़ी खूबसूरत गल है थोड़ी बड़ी मेहरबानी महबूब भाई बड़े ही साढ़े मैं समझना दिल पिशोरी का एक जिहा महकता है फुल जरा बड़ी बेलोस मुहब्बत करता है इस जबान नाल इस कल्चर नाल इस मैं समझना इस पूरे खिते ना बहुत शुक्रिया जनाब तुमने कॉल की एनी आओ आई एम एंडोसिंग माई टॉपिक एंड माई टॉपिक इज इनको दे पुराने लफ्ज जेड़े हुण नहीं बोले जाते लेकिन साने दू बदू अपनी वड़िया कोलो वो अल्फाज किधर ना किधर साढ़े माजी च या साढ़े जहन च किधर ना किधर नक्श अज का जरा सैशन शो वे इट्स अ काइंड ऑफ अ क्लास एज वैल यू नो आई एम नॉट योर टीचर मैं थोड़ा उस्ताद नहीं गा तुम सारे मेरे उस्ताद हो लेकिन असं मिलकर कोशिश है कि असं मिलकर एक दूसरे को सिखाइए ताकि वो लफज अगर असं दोबारा अपनी जबान ऐड करिए तो मैं समझना उसकी खूबसूरती वधदी है ठीक है जी जबान का ताल्लुक तासीर नाल होंदा है एक गल याद रखना मेरी एक जुमला मेरे को ले लो जबान मोहताज है तासीर दी ना कि अल्फाज दी ये बहुत फर्क है लोग समझते हैं कि यार ये लफ्ज बोला तो यह बिल्कुल ही बड़ा ही कोई है ना अजीब जहा लफ्ज है कि मनु लोन पा दे मेरी गल समझे लेकिन मसला है कि लफ्ज अगर जबान बनती है तो तासीर नाल बनती है किस असर सी तो आने लफ्ज बोला है किस मुहब्बत सी बोला है कितने एतमाद नाल बोला ने वो लफ्ज है तो पावे गलत भी हो बात अगला उन्होंने चुकता है कि यार हाँ इसमें बात ही है नहीं आओ जनाब तुम कॉल कर सकते हो साढ़ा नंबर थोड़ी स्क्रीन पर साढ़ा वट्सएप नंबर भी थोड़ी स्क्रीन पर जरा वट्सएप नंबर है ना जरा मोबाइल नंबर लिखाया खुदात बाबू के कहे मनु लोग कहते अभी बादशाह जी मोबाइल से मिलाने तो रिंग ही नहीं मिलती खुदा के कहे ने यार मैं तुम्हें कहना कि जरा वट्सएप नंबर है ना है 03 1 3 जो भी है वो वट्सएप नंबर है उससे तुम मैसेज कर सो ठीक है चले अपना अपने इलाके का नाम लिख सो उससे कॉल नहीं करनी तुमने तो दूसरा जरा जरा टेलीफोन का नंबर है ना है PTCL नंबर है उससे मैं कॉल करके मैं अपना पैगाम रिकॉर्ड कराओ एंड बताओ जनाब कि तुम्हारा इस हवाले नाल हिनको दे पुराने अल्फाजा के हवाले नाल तुम्हारा के मैं कुछ सवाल अल्फाज तुम्हारे सामने रख सा तुम्हारी कॉल लेने के यार तो इस लफज का क्या मतलब है पहला लफज जरा मैं समझना बड़ा ही खास रहा ओवे जनाब डीक हाँ जी हाँ ये लफज है डीक ठीक है जी कॉलर है मेरे को मैं पूछना डीक तक ये मतलब है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम मुजफ्फर शाह जी सरकार मुदब्बर दाना पिशोर शहर दी बड़ी बड़ी शायस्ता शख्सियत किस रंग जी ठीक ठाक बड़ी मेहरबानी बहुत बेटा शुक्रिया क्या हाल चाल है ठीक ठाक जी मैं ठीक ठाक शो पे देख लो जल्द बिल्कुल शो पे देखना ते शो देख रहे उसी खलोता है अच्छा तो मैंने कहा चल चल देख लो कि क्या सूरत हाल है ना अरे वाह क्या सूरत थोड़ी मान ला गए जी तुम्हारी सारी सूरत हाल बड़ी बुरी है तो खुद आना गर्मी आई है हेलो मैं असल पहले देखे मेरे के मतलब है कि तुसी तशरीफ फरमाओ ते फिर कोई मेहमान उसी बैठो आया हेलो आज 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 ऐसी आप ही मेहमान मेजबान भी है ते मेजबान भी है अच्छा चलो अच्छा अल्लाह ताला कामयाब ते अगर जी पुराने लफ्ज ने इनको ते बड़े मजे दे आए मनु याद है मेरी नानी दी एक बहन हुंदी ना जी अल्लाह ताला उना दा वो जान अच्छा करे ते ओ बड़े बड़े मीठे ते बड़े ठेठ लफ्ज बोल दी इनको इनको ओ मनु बड़ी पसंद आए बिल्कुल बिल्कुल है ना तो अगर तुम्हें कोई अल्फाज अल्फाज याद हो ना जी जरूर साढ़े नाल शेयर करो इस हवाले नाल जी बिल्कुल मतलब है कि वक्त नाल नाल ता हालात वाकयात हर चीज बदल ली जाती है आहा ठीक है तो ता कि रिश्ते भी बदल जाते हैं हाय 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 बड़ी गहरी गल लेकिन ए लफ्ज ये बोल ना कि कभी बदल नहीं सकते अगर आदमी कोशिश करे तो बोल सकता है बहुत खूब बोल सकता है लेकिन उन्हें ना बोल सकते हैं जल्द के उसे हम जबान हो आहा बहुत खूब आजकल दी नवी नस्ल नु ओ समझ सके के पे कहंदे केड़ी जुबान है ओनु समझ ही ना पैसे के केड़ी बिल्कुल ठीक ता ओ इस संग होंदे है के क्योंकि पुराने कारज होंदे ना कोठे दरवाजे उते चढ़ना चांदे आ ते ओ दरवाजा लगा होंदे आ बंद करने दा सीढ़ियां दे कोल ठीक है तो अक्सर साडी वालदा या कोई के जाए को तो ममटी बंद कर रहा ममटी बंद कर रहा अल्लाह वाह 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 ममटी मतलब जरा दरवाजे ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੈਲੋ ओके जनाब जनाब बड़ी शुक्र तुम्हारी कॉल की थी पिशोरी मैं लव एक द मैन आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक माय पीपल दो
वेलकम बैक माय पीपल। उम्मीद करा जनाब तुहानू अज दा शो पसंद पे आंदा होसी। आई एम योर होस्ट नॉट योर दोस्त बल्कि आज थोड़ा कार दे बचे यार बिल्कुल शो पे चल दे भी है जी। उम्मीद करा जनाब तुहानू अज दा पूरा टॉपिक पसंद पे आंदा होसी। कॉलर ड्रॉप हो गई मुज़फ्फर शाह जी दी, उन्होंने बड़ा खूबसूरत आखिरी जुमला, बल्कि आखिरी जुमला नहीं मतलब उन्होंने जरा कॉल ड्रॉप होने से पहले आखिरी जुमला आया कि ममटी, हाँ ममटी दा बुआ बंद करके आ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे यार, यू आर माई पीपल बेसिकली एंड आई लव यू अलॉट। चलो आई वेल अदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। कौन सा मोहसिन भाई? आमिर शहजाद से बोल रहा हूं। ये निके जिन ते बड़े पूजी यकतूत। बहुत अच्छे आमिर भाई, किस रंग हो? ठीक ठाक हो? शुक्र शुक्र मोहसिन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जी। पहले तो थोड़े सवाल का जवाब देवा, जरा थाने किए डीक ते डीक का मतलब है जी पी के टी पानी पी आला जी के पी जा ना ना। जुमला पूरा जुमला बोल के सानू समझाओ। चलो जी जी पूरा जुमला है। मसलन तुसी केंदे के कुछ चीज खा यानी पानी मानी पीने दा जसा केने ना। अच्छा ये पानी पी जा। हां ते ओ उसा केने के ठीक के पी जा। आला एक ढीक लाइस ते पी गया है। बहुत अच्छे जी। हां जी ते दूसरी नंबर दी गल जी, जिस टाइम सुबह सवेरा होंदा है ते केने के जालिम दे बच्चे पठान दे बच्चे ने उठ के सेले सेले मजदूरिया भी कर छोड़िया, चिटका चढ़ गया तो तू सुता है जालिम दे बच्चे उठना। और साढ़े पिछड़ी कावा वाला एक गल याद आ गई है जी। अला एक और बताओ मनु, अगर जी आजकल गर्मी है ना, ए देखो ए मेरे पानी पिया अभी अगर मैं कहूँ कि यार मनु प्यास, मुझे प्यास लगी हुई है, हैं जी जी, इनु इनको किस तरह ट्रांसलेट कर सकें? इनु इनको देखो ऐसा क्या ढीक के पी जैसा के ढीक के पी जैसा जी। हाँ ठीक है। यानी देखो देखो इस तरह ना बच्चे जी के तुसी जिस तरह के उर्दू दे चकार जड़े अल्फाज हैं साढ़े ते साढ़े इनको दे अल्फाज बहुत फर्क है। ठीक है सही है मानना जी। बड़ी सोहनी है जी। देखो दिगर का टाइम जी, दिगर का टाइम जरा आंदा है उस कहते जी के पेशी हो गई है। की हो गई है? गुलाब पेशी हो गई है। पेशी पेशी हो गई है, पेशी का टाइम हो गया है तो गुलाब सुता है। गुलाब उठना बो उठ शवा पेशी दी आजाद की होती है। वाह बड़ी सोहनी गद होती है जी वड़े अच्छा। करते ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਰਸ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬਾ ਖੁਦਾ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਛੋੜ ਛੋੜਾ। ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਜੀ, ਮੰਨਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਕ ਨਮੂਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਫਸਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਲ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਲ ਦੀ ਟੋਪੀ ਸਲਾਮੂ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਮੂਜ਼ ਸਲਾਮੂ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ मैं समझना जनाब तुहाडे बड़ा ही मजेदार इस हवाले नाल अपना गला ते पुल पाया है। बहुत अच्छे आवे भाई इलाकों च बचपन गुजरा है ना मैं, क्योंकि पैदाइश से लैके आई वुड से 25 साल तक मैं इन्हीं गलियों च फिरदा रही हूँ। लोग मैं कहते यार चप्पल घसीट घसीट के है मेरे बड़े 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 वाल होंगे, ये भी तुम्हें पता बड़े 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 उड़ नहीं है ना बड़ा बस नहीं तो नहीं है मेरे बड़े 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 वाल तय नहीं जनाब। इन्हीं इस गलियाँ का इन्हीं मिजाज इन अल्फाजा ना ही मेरा बेसिकली इन्हें बचपन का दौर गुजरा। लेकिन जनाब तुम कॉल कर सकते हो। मैं आमिर भाई ने मैंने पूछा कि आमिर भाई डीक किनू कहने डीक डीक जनाब मतलब जल्दी जल्दी एक बड़े एक शहर गहरा कोट पीना मतलब वड़े वड़े कोट लैके डीक ला के ना
एक ही साथ अगर एक शहर में पी लेना दुध हो गया डीक एक डीक लाई से दूध पी गया पूरा जाम मुका छोड़ा बेसिकली डीक लाना इज लाइक यू नो एक ही साथ पूरा जाम खत्म कर देना है मुतरादिफ है। वह दूसरा सवाल मैं किया कि अगर इंसान को प्यास लगी हो गया मैं यार मुझे प्यास लगी है तो इन इनको इनको कहते हैं कि यार मैं पानी पिला बल्कि मैं नहीं बता रहा मैं नहीं बता रहा मुझे कॉल करके बताओ क्यों मैं सारा मैं ठेका चुके थे है चलो कॉल आ गई बुरा पूछ रहा था वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब अली कौन साहब किस तरह पे गल कर दें जी मैं जी शिराज बोल रहा हूँ हुसैनाबाद की किशोर गुलबार हुसैनाबाद की शिराज भाई किस रंग हो ठीक ठाक हो खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है शो पे देख दियो जी आज तक क्या कहना चाहो जी शो रोजाना ही देखने आ रहे देख रहे हैं रोज के मैं तो अनु पहले भी की आया कि जरा मौली जी का कोई प्रोग्राम दिखाओ कि कसीब दे मौली जी ने के असी उन सारे पीरो मुर्शिद है आगा जी शिराज भाई मैं मौलवी जी सरकार ने कोई 3-4 प्रोग्राम किए तो पता है गल ओ मैं तो देखे जी पहले रोज ही देखा है एक बार ही देखा है बस अच्छा मैं कोशिश कर सा कि मैं दोबारा भी उन्हें एक प्रोग्राम चलावा तो दोबारा अपने प्रोग्राम कराओ उन्हें ठीक है तो दसो जी कि असि दिन इंतजार करिए ना मेरी जान मे बी इन कमिंग वीक्स एक दो त्रे हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा मैं एक प्रोग्राम तुम्हारी फरमाइश थे बेसिकली मैं जरूर आई विल मेक श्योर एक प्रोग्राम मैं दोबारा रिकॉर्ड कराऊँ दूसरी गल है कि कतील शिफाई ने फिल्म बनाई तनु दा नाम याद नहीं गा लेकिन उन्हें लिखाया कि किसा खानी दे एक प्लेयर होती है हां 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 बल्लू जो नहीं यार ठंडी थारी दूध दोपहर दी बाद दोपहर होती है आहा एक गल कहो जी 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 मैंने भी इस गाने ने सुना ते मैंने इस गाने च कुछ अपनी लेना भी पाई अगर अगर इजाजत होवे ते वा तौल थोड़ा सा मैं अच्छा दूसरी गल है एक और मुनीर दिया जी का शेर है कि कुछ कुछ भी रवा ओखिया सुन कुछ गल इश्क दा टोंग भी सी कुछ शहर दे लोग भी जालिम सुन कुछ सानू मरण दा हा 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 कुछ सानू मरण दा शौक भी सी आए हाय 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 की राज मेहरबानी करो एक मेहरबानी करो कि सानू मौली जी दा प्रोग्राम दिखाओ मैं पूरी कोशिश करता आई वुड मैं अपनी पूरी कोशिश करता जनाब शिराज भाई तुम्हारा हर हुक्म मेरे से सर रखियां ते तुसी सारे शो दा मैं समझना स्टेक होल्डर हो बेसिकली हाँ मैं तो खाली एक आम जहा हो लेकिन यू आर द स्टेक होल्डर ये तुम्हारा शो है बेसिकली एंड तुम्हारी हर जरा ख्वाहिश है जनाब वो हुक्म का दर्जा रख दिए मेरे से मैं तो हाई मशकूर हाँ मेरे भाई मेरे बुजुर्ग हो तुसी सारे मेरी रहनुमाई फरमाते हो मेरा है ना मेरा मान बताते हो तो मैं इंतहाई मशकूर हाँ तुम्हारे सारे का आई हैव अनदर कॉलर मैंने सवाल किया है कि यार अगर प्यास लगी हो तो इन इनको किस तरह कैसे हाँ जी चलो आई हैव अनदर कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब कौन किधर पे गल कर दें जी जी मैं फौजिया कुरैशी एडवोकेट हाई कोर्ट और मैं तुम्हारा प्रोग्राम काफी देना सी भी देखनी है मैं इससे पहले पता नहीं आया कि साढ़े पिछोरियों चो एक बच्चा ऐसा उठ सी कि जड़ी सादी इनको जिंदा कर दे ओए बड़ी मेहरबानी मेरी पैन बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी ते होर इस तरह दी खिदमत करने दा जज्बा ते तुहाडा बरकरार रहे साडा दिल बड़ा खुश होया मेरे आसपास जितने लोग हों वो हाईली क्वालिफाइड नहीं है कि अच्छी कहीं अंग्रेजी ते उर्दू बोलने वाले इनको बोलने वाले लोग हों लेकिन अपने बच्चों के नाल वो उर्दू बोल दें बहुत खूब अच्छा कि उर्दू पे भी कमान लेंगे और सवेरे अपने बच्चों को स्कूल ले जाते हैं रस्ते कोई कॉकरोच जिन्हों असी अपने बचपन ही कां कहने हैं वो कां कह असी कहने होने हैं वो आज कॉकरोच हो गया है बच्चा खाली वो बच्चा जड़ है वो कॉकरोच कहता है हाँ जी तो वो कहता है कि अबू ये मुझे काटेगा तो वो प्यो कहता है कि ना पुत्र ये तुम्हें चक नहीं पड़ेगा वो तुसी ये देखो कि ये चीज जड़ी है तो अनु आपनु उर्दू ते उबूर नहीं गा तो तुसी आपने इनको भी शर्मा दे पाए ओए 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 गाली है कि देखो साढ़े कार जड़े बच्चे मेरी भतीजी जड़ी है वो सीएमएच पिंडी दे कार डॉक्टर लगी है इससे पहले अच्छा उस बच्ची ते मैंने बड़ी मेहनत की थी मैंने उस बच्ची नू हिनको नाल नाल सिखाई है अच्छा तो सड़ा इस तरह का कल्चर है साडे कार कड़वंजी होंदी उते भी सी मट ते कड़े होंदे है मट ते कड़े आहा ठीक है ते उते डोलची होंदी मट दे उते ते गाड़ियां दे वड़े वड़े कटोरे होंदे है ते कलाईयां होंदी है उनां नू
चाजोश पाए होंगे घड़े में ना चाह के चमचे होंगे खानदान बोली ना ते मैं कार आके तेरे को पुछ सा कि तेने क्यों बोली है ना जी, जी, मैं तेन इतने महंगे स्कूल भिजवानी है ते तू अंग्रेजी गल कर या कोई जी तू इतने लोन पे बोलना है ते बेसिकली बट आई थिंक दैट मामा ने इस जरा एक पूरा एक सिनेरियो वेज टू डिस्करेज किया है व्हाट डू यू थिंक बेसिकली जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मेरी भैन मैं बहुत अरसे बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड थैंक यू सो मच तुमने इस काबिल समझा इस लाइक समझा है इस एतमाद किया इस प्रोग्राम से मैं बहुत मशहूर हाँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि थोड़ी वध भी इस किस्म का सपोर्ट आंदा रहे पिछोरी हो एंड इनको वाहन जिधर भी लोग भी सुन दे पाए हो आई एम टेकिंग अ ब्रेक एंड आई विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक माई पीपल नो और जनाब वेलकम बैक उम्मीद कर जनाब तुम्हें अज का शो पसंद पे आता उसी अज का शो मैं दोबारा टॉपिक रिपीट करना ताकि जिन्होंने हूँ ही ज्वाइन किया उन्होंने पता लगे कि अज का टॉपिक है इनको जो पुराने अल्फाज जड़े बोले जाते या अज किसी भी सूरत किसी भी वजह ना वो अज नहीं बोले जाते चाहे वो कोई भी फैक्टर हो सकता है चाहे असी मॉडर्न हो गए यू नो वी लिव इन यूनिवर्सिटी टाउन तुम्हारे कार में वेड़े नहीं है एक दफा सर हो जी असं मोरी महाले में खेलने हैं तो सामने एक बाबा निकले तो मनु कहते यार गल सुन तुम्हारे घर में वेड़े नहीं है या इनको बोल या उर्दू बोल एक डिसाइड कर पहले है घर मेरे वेड़े हैं वेड़े का मतलब सहन होता है जी क्या तेरे घर वेड़े तुम्हारे घर वेड़े नहीं है तो बेसिकली फैक्टर कोई भी हो सकता है कोई यू नो कोई कोई मॉडर्निज्म हो सकता है या कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है तो हूँ अल्फाज नहीं बोले जाते बट यू नो मैं समझना कि अपने अल्फाज या अपनी जबान जो तुम बोल सो बाखुदा थोड़े जो एतमाद हो सी ना देखो मैं तुम्हें गल बतावा मेरा अक्सर चक्कर लगता है बहुत सी जगह में थे तो मैं बहुत से लोगों ने मिलना बहुत से लोगों ने मिलना इस तरह को है कि जनाब मैं एक सोसाइटी एक कंपनी से बैठा है जिधर लोग अंग्रेजी पे गाल कर दें आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश नो वो बोलो तुसी हाँ जबान है इंटरनेशनल लैंगुएज है लेकिन असी आपस आई नो असी दोनों और जो लोग है पिछोरी है मैं पता है कि वो इनको उन्होंने आँदी है लेकिन वो डिलिपरेटली इनको उन्होंने अंग्रेजी वो गल कर दे मेरी अंग्रेजी कमजोर है जी एंड आई नो दैट बिकॉज मेरे घर में इनको बोली जाती है मैं अपने घर बहुत मोस्टली या मैं उर्दू बोलना या इनको जी गल पे होती है साढ़ा कहड़ा इतने कोई थॉमस एडिसन नाल मेरा दोस्ताना वे है मेरी बट ठीक है ना गुजारे इतने हेलो अवर यू ने कि मामला चलते पे और अंग्रेजी मार दे पेन तो मैंने भी थोड़ा जहा अपने आप में उस सोसाइटी उस महफिल इन करने से मैंने भी अंग्रेजी बोलना शुरू कर छोड़ी मैंने ऑब्वियसली जो बोल सा तो इंग्लिश दी टंगा बावा मैंने पानी है बिकॉज दैट्स नॉट माई एरिया हो जाए कि मैं जनाब के मेरे थे आसना एक आसा पै गया ना कि यार इतना बोला इस रंग इस रंग होता है लफ इस रंग इस रंग होता है तो हूँ मेरा थोड़ा जहा मगज हट गया मैंने कहा जी बात इस तरह गल इस रंग है कि अगर मैं थोड़े अपनी अपनी अपने कल्चर तो अपनी जबान में सरेंडर करके तुहानू कंफर्टेबल करवाने से अगर मैं थोड़ी जबान पर बोलना तो यू शुड रिस्पैक्ट मी तुहानू मेरी इज्जत करनी चाहिए कि मैंने अपना सरेंडर किया अपने आप को तुहानू कंफर्टेबल करवाने से मैंने थोड़ी जबान थोड़े कम्यूनीकेट किया बट अगर बात दूई गल मैं की थी कि अगर तुसी मेरी जबान चाहो तो बाखुदा तुसी मनु आराम ना लगता बिकॉज वो एतमाद है मनु उसते क्यों वो मेरी मादरी जबान है वो मैं कारो सिक्के आया समझ आइए जेड़ी शह तुहानू विरसे च मिल सी ना उस से तुहाड़ा एतमाद ज्यादा हो सी उहदी वजह है कि जनाब वो शह तुहाड़े खून च है हुण मेरी गल समझे हो हाँ
तो वो शायद वाले खून चे तो सिखाने की जरूरत नहीं गी मच्छी नू तैरना कोई नहीं सिखाता उसको पता होता है भाई भारती की बिकॉज उन्हें सीखो वो जीन दिचो शायद Are you getting my point? जनाब अपनी जबान बेसिकली तुहाड़े तुहानू तुहाड़े बच्चे नू ते तुहाड़ी अपने तुहाड़े लई तुहाड़ी कम्युनिकेशन च तुहाड़ी पर्सनैलिटी च बेसिकली ओ एतमाद देंदी है ओ तुहानू यकीन देंदी है कि तुसी दुनिया के हर प्लेटफॉर्म च मैं एक जगह ते गया ते किसी ने किया कि यार दिस यू नो तुहाने इंग्लिश च गल करनी है ते मैंने कहा जनाब मेरे से इंटरप्रेटर लाओ हां ओ बंदा लाओ जेड़ी मेरी जबान नू ट्रांसलेट करके मैं इंग्लिश ही गल कर सा ते बाखुदा उन्होंने वत लेके आए ते मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज दैट वॉज सच एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ते मन मैं चाहना है कि मैं जबान उस प्लेटफॉर्म पे इस जबान को प्रेजेंट करा एंड बाखुदा ओ पजीराई अगर यकीन होवे तो वत पजीराई दूर नहीं होती आज जनाब गला बोता बहुत हो गई है हिनको दे पुराने अल्फाज ते शोवे मैं चाहना जनाब तुसी कॉल करके अपना फीडबैक अपनी अपनी राय अपनी अपना पैगाम कोई लफ्ज अगर तुहाने अपनी अम्मी सी तुहाड़ी अपनी नानी सी अपनी दादी सी अपनी मासी सी अपनी अम्मी दी मासी सी गलत भी सुना है यू कैन कॉल अस साडा नंबर जनाब तुहाड़ी स्क्रीन ते वे साडा व्हाट्सएप नंबर भी तुहाड़ी स्क्रीन ते वे अपने अपने इलाके दे नाम दे लाबा नु मैसेज करो मैं पता इतना मेरा एक एक गल लाइन तुम रट गई है ना मैं पता है कि यही बोलना होता है अरे जनाब मैंने की ना अगर प्यास लगी हो तो कहते हैं जनाब जरा पानी देवी मनु त्रे लगी है बस त्रे कहते हैं प्यास नू इनको तो लफज है त्रे यार तरह मनु पानी देवी मनु बड़ी सखुद त्रे लगी है त्रे का मतलब मनु प्यास लगी है नहीं आया कॉलर सलाम अलैकुम जी वालेकुम सलाम मोहसिन भाई कैसे हो जनाब अली कौन साहब कितनों में गल कर दें जी मैं पिशावर से कॉल कर रही हूँ यासर नाम है मेरा यासर नाम है आपका अभी आपको कॉल भी किया था ओए यासर कैसे हैं आप ठीक ठाक खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो मैं बिल्कुल ठीक ठाक यासर शो देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे यार मैंने तो आपको जुबान तो नहीं आता लेकिन उर्दू बोल सकता हूँ पश्तो बोल सकते हैं हाँ पश्तो भी बोल सकता हूँ और हिंद को समझ में आती है आपको थोड़ा थोड़ा सा आती है जी अल्लाह मैं अगर मगर मैं हिंदको में सवाल करूं आप मुझे पश्तो में जवाब देंगे उसका तो आप ट्राई करें मैं ट्राई कर दूंगा खैर आप बोलिए ट्राई करते हैं लेट्स मिंगल इट तुम्हारा ये शो किस रंग पे लगता है आप कह रहे हो कि आप पर ये शो कैसे लग रहा है आपने ये बोला जवाब पश्तो में चाहिए यही बोला है मैंने बच्चा आपने बोला कि तापमान जो शो सिंगल है ए बिल्कुल उस दते जवाब हमरा कहे जी मामा ने छोड़े रखा लेगी मोहसिन भाई ना शो पे अच्छा लगता है या मैं पे अच्छा लगना वहाँ यार दोनों अच्छे लग रहे हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो शो बाद में इधर मतलब है समझ आंदी है तनु है समझ आंदी है सारा समझ ले आला समझ आंदी है यार थोड़ा थोड़ा सा यार बोलो ना यू नो मैं गल करा तुहानू गल करा जी मनु पश्तो भी बहुत पसंद है ते मनु हिनको भी बहुत पसंद है ते इस पिशावर शहर च लोग पश्तो भी बोल दें ते हिनको भी बोल दें ते दोनों ज़बाना मेरे दिल दे बहुत करीब हैं जी हाँ बिल्कुल सही बात है जैसे आपको पश्तो और हिनको करीब है दिल के इस तरह मैं भी पश्तो और हिनको दोनों करीब है दिल और आप पश्तो में कोई आखिरी पैगाम दे दें कोई पैगाम दे दें पश्तो च मैं बस आपको ये पैगाम देता हूँ कि आप मेरे लिए आप शायरी बहुत अच्छे करते हो तो पश्तो में बोलूं हाँ पश्तो में पश्तो क्यों है हाँ मोहसिन भाई तासो शेरडी रख को लेके मारा पार जो शेर हुआ है जी शेर में तासो ना पारा जिंदाबाद इरशाद जी इरशाद बस देर दे रहा है ना यासिर भाई एंड बहुत शुक्रिया जनाब तुमने अपने कीमती टाइम से कॉल की थी यू नो आई ऑलवेज से दैट पिशोर शायर अगर एक जस्म है तो था एक बाजू हिंद को वानन ते दूसरा बाजू पठान ये दोनों मिलके इस जबान बहुत बोला बहुत रिचन एंड आई रियली अप्रिशिएट कि तुम दोनों किसी जबान भी आके अपने पैगाम में रिकॉर्ड कर सकते हो यासिर खान साहब बहुत शुक्रिया आई अनदर कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी हेलो ओके जनाब कॉलर ड्रॉप एंड कॉल कर सकते हो वंस अगेन सारा नंबर थोड़ी स्क्रीन पे वे सारा व्हाट्सएप नंबर भी थोड़ी स्क्रीन पे वे अनदर कॉलर एंड चलो गल करने अस्सलाम वालेकुम जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब कौन साहब किधर पे गल कर दें खैरियार बोल रहे हैं जी पिशावर यूनिवर्सिटी कैंपस से कौन बात कर रहे हैं खैरियार बोल रहे हैं जी पिशावर यूनिवर्सिटी कैंपस खैरियार पिशावर यूनिवर्सिटी कैंपस से खैरियार साहब किस रंग हो ठीक ठाक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी तुसी ठीक ठाक हो तुहानू किसी ने गल की थी ऐसी पहले कि तुहाड़ी आवाज बहुत खूबसूरत है या बड़ी सुरीली है सुरीली तो नहीं पता जी बस मेरे से शायद थोड़े बहुत अट्रैक्टिव है अट्रैक्टिव तारीफ पे कर ले समझ लो तारीफ है तुहाड़ी ठीक है जी बड़ी जजाक अल्लाह जी तुहाड़ी समाधान दी बहुत शुक्रिया शो पे देख दो शहरयार भाई क्या कहना चाहते हो जी
जी शो देख लेते हैं जी, बस गुजारिश इतनी है जी, टॉपिक थोड़ा माशाल्लाह बड़ा जरूरत भी है, मैं इसमें कैसा गुजारिश कर सकती करती थी कि ऐसी बात वक्त ऐसी जुबान दी जो गल कर रहे हैं, ऐसी कहने जी सानू जुबान की ऐसी सिर्फ जड़ा ना जी ऐसी महदूद रह गए सिर्फ प्रोग्राम तक या कभी कभी कोई महफिल का इनका करना, लेकिन जो अमली स्टेप लेने की गल आई ना जी सॉरी तुसे साड़ी कौम दे कलमिया की कुछ प्रैक्टिकल है नहीं है इतने ज्यादा। बहुत खूब ते असी जड़ा ना असी कार दे अंदर जड़ी शायद स्टार्ट होनी चाहिए। मैं अक्सर अपने जड़े वालिद साहब उन्होंने दे नाल गपशप कदी बैठे हुए हैं, मैं उन्होंने कहना जी कि ए असल मसला तुहाड़ी जनरेशन से शुरू होया है। शाबाश। बेसिकली उन्होंने नाल जड़ा ना जी तुसी देखो जड़े साडे दादे परदादे दा बैच है उन्होंने तो जुबान ट्रांसफर की है कीती है, लेकिन फिर अगे इन्होंने जड़ा ना जी ते ओ अपने बच्चों के नाल जीन के साड़ी है तुहाड़ी जड़ी जनरेशन है बोलने कंपीट ना कर सकती डर किधर ना किधर बिल्ट इन है तो लगता है गल बिल्कुल इसी तरह जी। मैं तो इससे सिर्फ कह सकता कि सानू सिर्फ अगर मिसाल की देखिए ना जी बाहर ना जाइए सिर्फ अपने सूबे अंदर जड़े साढ़े नाल पश्तो स्पीकिंग कम्युनिटी जितनी भी आबाद है पेशावर शहर के अंदर असी सिर्फ उन्होंने अगर एज एग्जाम्पल रखिए तुसी पाकिस्तान या पेशावर तो रहने वाले पश्तो स्पीकर छोड़ो तुसी जो सारा डायस्पोरा है सारा जड़ा बाहर रहने वाले लोग तुसी उन्होंने देखो तो कभी भी तू आपस कभी कम्युनिकेट कर सन बिल्कुल फ्रीक्वेंटली अपनी पश्तो कम्युनिकेट मैं बिल्कुल मान लो पश्तो बोल दें ओ बिल्कुल ओ ते खपकर कर देना अपनी जबान ते कोई शक नहीं गैसेज कोई शक नहीं यार नो जे फैक्टर है बाहर वाली सू जाकर करने की जरूरत है ते सबसे पहले गल है कि असि जरा रोकनाश कराने की जरूरत है। हां 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 मेरा ते तोड़े यार थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने जिसमें दो लफ्ज सिखा छोड़े ने जरा थोड़ा बहुत शऊर दी मलना सी थोड़ी तय कर चुके हैं हूं तो सानू समझ है एटलीस्ट इतनी आ जानी चाहिए कि यार और कुछ नहीं तो अपने बच्चों के नाल कुछ सिखाना आस्ता आस्ता शुरू करिए आस्ता आस्ता मैं मानना जनाब इसी तरह अल्लाह ताला करती लगे यार भाई मेनू पता है कुछ कॉलर्स होते हैं जिन्हें कॉल आके मैनू लिटरली लगता है दैट मेरा मुल पै गया मुल पैड़ा समझते हो कि यार मेरी कीमत लग गई है। हाँ जो तो थोड़े जे पढ़े लिखे लोग अहले फिक्र लोग मैं समझना अहले अहले इल्म लोग हाँ अहले कमाल लोग अहले जर्फ लोग जो तो आदि तो वो अपनी जो तो राय का इजहार कर दें लिटरली यू नो जिस तरफ मैं इशारा कर दूँ ना तो तुसी भी उधर ही टारगेट कर दो बाखुदा खुशी मिल दी कि हाँ यार ओ आवाज़ और पैगाम किधर ना किधर पॉइंट मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल यार दैट तुमने इस कठिन दौर भी इस प्रोग्राम नू इस सोच नू तुमने वक्त दिता जनाब बहुत शुक्रिया यार भाई तुमने कॉल की है। हाँ तो एक बड़ी अच्छी गल एक अननोन डर है एक अननोन डर है कि यार अगर इन्हें सिख छोड़ी तो यार अगर इन्हें महफिल सारे कजन बैठे हो सुन कोई पे गल पे कर दो उसे अंग्रेजी कोई पे कोई कह दो मैं जर्मन पे सीखना वा कोई ना होंगे ना यार तो मेरे पुत्र ने किया कि माँ जी चल ना कार किस टाइम जो मेरे पुत्र ने कहा जोड़ा माँ जी चल ना कार के हिसाब में जाइए कि ना जाइए तो मेरा कह रहा जी मेरी तरबियत से लोग शक कर सन ओ हो नहीं ऐसे नहीं ऐसा लगना वैसे जनाब चलो कॉल ले लो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुस्तफा साहब फकीराबाद से जनाब किस रंग हो ठीक ठाक हो जी कुर्बान जाइए जी अल्लाह ताला आबाद रखी तुम्हारी आवाज काफी है ना तुम्हारी आवाज साड़ी समात महफूज हो खुश रहो अल्लाह आबाद रखी अल्लाह आबाद रखी आमीन। गुलाम साहब शो पे देख दियो वाइदा के कहला इनको तो पुराने अल्फाज देख दे शो में मैं के संग जी मेरे से पहले एक तुम्हारे मेजबान मेहरबान ने ते मेहमान ने किया के जी के ए इस जनरेशन दे सानू आगे कुछ नहीं किया हां बिल्कुल आया नहींगा ठीक है लेकिन मैं जरा सोनू जरा जा पीछे लेके जाता जी जी
कि एक पृथ्वी के ही पैगामा पे चल रहा जी सुल्तान अब्दुल हमीद। अच्छा उसकी कोई किस्ता ने चाह जिस टाइम अंग्रेज उन्होंने टेकओवर करने की कोशिश पे करते पे ते उन्होंने एक जुमला किया है कि असी स्वाड़े कल्चर। ओहो आगा बड़ा ही मज़ा पे आता है लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई आगा। मैं सुनना चाहना है वाक्य मैं ब्रेक लेनी है जनाब। ना मोहब्बतों में शेर किया उन्होंने एक शेर सुनाओ पहले शेर सुना देना कि मोहब्बतों में हवस के असीर हम भी नहीं गलत न जान के इतने हकीर हम भी नहीं हमारा सब कुछ ले हमारी हमारा सब कुछ ले हमारी क्योंकि बेजरर ही सही बेजमीर हम भी नहीं। जनाब वेलकम बैक टू दिल किशोरी और उम्मीद करना तो अनुवाज दशो पसंद आंदा भी और साढ़े को मैसेज अस्सलाम वालेकुम शाह जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे लगते हैं आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इस तरह कामयाब करे। खालिद दुर्रानी फ्रॉम नौशहरा के थैंक यू खालिद भाई बहुत शुक्रिया आई हैव अ कॉल मैं कॉल ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहिबा किधरों पे गल कर दिए जी। जी मैं राबिया बोल रही हूँ पिशावर से यकतूत यकतूत किस रंग मुझे ठीक ठाक हो खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी आज बहुत प्यारा टॉपिक ताने स्टार्ट किया है बहुत जबरदस्त मेरे दिल की आवाज है साढ़े पिशावरियां की बहुत इज्जत अफजाई पड़ी है मैं बड़ी खुश हूँ कि तुम इनको जमान प्रमोट पे कर दी। लेकिन मेरा गिला भी है मेरा गिला भी है जी गिला ले लो जी मेरा गिला भी है मेरा गिला है वे के इनको बहुत सी जबान है लेकिन मावा ने बच्चियों को बहुत डिस्करेज किया है कि यार ये जबान ना बोला करे गल तुसी अग्री करते इस गल नाल बिल्कुल जी बिल्कुल थाने आप थाने आजकल मावा ने अपने बच्चियों को खुद इस कल्चर से दूर रखा है ते बहुत थाने अपना अपना नुकसान किया है। हां वाह वाह नुकसान पे करने कि अपनी अपनी पहचान अपनी सकाफत अपना रहन अपने बच्चों से दूर करके गैर की गुलामी बह देने। अच्छा अपनी भैन या अपने भरावान नाल ओ इनको ही गल कर दें अपनी अम्मी अबू इनको ही गल कर दें लेकिन जो बच्चे नाल गल की बारी आती है तो और नाल ही उर्दू का सहारा ले लेंगे। तुम यकीन करो कि सारे अपने बच्चों की उर्दू सिर्फ स्कूल अपने दूर रखे क्या मेरी कारी मेरे बच्चे खाना काफी पढ़ लेने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हूँ खैर बचपन से लैके ऊन तो सारे इनको अदब के नाल बोल दें तहनी बाजार इनको बोल दें अपने दोस्तों नाल भी यकीन करो उन्होंने नाल कोई पश्तो या इंग्लिश जबकि उन्होंने सारी कोशिश की सब कुछ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बोल दें अपनी जुबान इनको ही बोल दें उन्होंने आइडिया भी अगे है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी उन्होंने बच्चे हो खैर के नाल अगे नसल परवान छोड़े तो उन्होंने यही ख्वाहिश है क्या बात है मेरी भैन बहुत खूब मैं समझना कि तुहाड़ी जियां स्ट्रोंग मजबूत तरबियत वाली मावा जो अपना रोल प्ले कर सन देखो जी कोमा मैं समझना कि बड़ा मशहूर कॉल है ना कि तुसी मनु पढ़ी लिखिया मावा दे दियो ते मेरे को पढ़ी लिखिया कोमा ले लो फर्क है ना देखो तुसी मनु कौम ना दियो तुसी मनु हाँ स्ट्रोंग तरबियत करने वालियाँ मजबूत तरबियत करने वाली अपनी रिवायात ते फखर करने वालियाँ मावां दे दियो हाँ ते मेरे को पढ़ी लिखियाँ ते मजबूत ते विदाउट एनी आइडेंटिटी क्राइसिस वाली कोमा ले लो जनाब ते ए इस तरह दिया सोच बगैर जनाब बहुत शुक्रिया तुमने अपनी कीमती टाइम लेकर तुझसे कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी आप बहुत प्यारे लग रहे हैं यार ये तारीफ किया करो ये तो क्या करो ये किया करो यार ठीक है जी आज का मौजू बहुत अच्छा है आजकल तो इनको जबान बहुत कम हो गई है फ्रॉम ताहिरा एजाज चिश्तियाबाद पिशावर जनाब बहुत शुक्रिया तुमने आपकी कीमती टाइम से मैसेज किया था जी आपने हमारी हिंद को प्रमोट की है वरना तो लोग हिंद को बोलने तो शर्माते थे अब आपकी वजह से अवेयरनेस पैदा है जनाब बहुत शुक्रिया सला जी योर शो इज ऑफ होस्ट योर शो योर वे ऑफ होस्टिंग इज वेरी एनर्जेटिक एंड अमेजिंग इट गिव्स अस अ लाइवली फील सारा फ्रॉम गुलबहार थैंक यू सारा एंड आई जस्ट नो आई एम जस्ट गिविंग माई बेस्ट दैट्स इट आई एम नॉट अ फिलोसोफर आई एम नॉट अ राइटर यू नो मैं आई एम जस्ट गिविंग माई इनपुट दैट्स इट हाँ
एंड उम्मीद जनाब यही सारा आज का शो आया, यानी कहते लफ्ज़ पौड़ियाँ, पौड़ियाँ लफ्ज़ सीढ़ियों को कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ममटी तुमने सुना मथे ते वट पईस, हाँ वट दगे वर्गा, मैंने लफ्ज़ सुना कभी वर्गा यार, इधर वर्गा बड़ा खराब है मूड मैं जरा ओवरऑल अपीरेंस होती है, इधर वर्गा बड़ा खराब है यार, घर गया तो वर्गा मथे ते वट आईस, मथे ते वट जो चुड़ियाँ जो इंसान जरूर देखते ना सरंग करता है तो मथे ते वट पा देना, हाँ फूड़ी अगर तुमने लफ्ज़ कभी सुना मैं कि यार फूड़ी, हाँ फूड़ियाँ लवेट के जाने जाना है जटाइयाँ जो पाँच दिन तो फूड़ियाँ लवेट दिन इनको कहते हैं फूड़ी। इसके अलावा बहुत सारे डेवड़ी हो गई, इसके अलावा ममटी ओड़ा, इस तरह किस किस्म के बहुत सारे जंदरा, अगर तुमने लफ्ज़ कभी सुना हो जंदरा मार के जावी यार, जंदरा खड़का कुंजी खड़का है जी ते मैं समझ रहा हूँ क्या सोच रहे हो तुम, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज, खेश मेरी माँ का खेश है, ए मेरे प्यो दे खेश हूँ, ए मेरी नानी दा खेश, खेश मेरे रिश्तेदार, इस तरह बहुत सारे अल्फाज जड़े बोले जाते ते बड़े बड़ी खूबसूरती नाल, बड़े फखर नाल, बड़े प्राइड नाल बोले जाते। अज ओ मैं नहीं समझना कि लोग बोलने समझना, आप मैं जाना लेकिन एंड तो एक ट्रैक सुनना है, हाँ मैं अपना ख्याल रखो एंड मैं उम्मीद करना जनाब तुम्हें अज का शो पसंद आया उसी इस दुआ के नाल, जनाब कल अगर जिंदगी रही सावा ने वफा की तो असी वत कल 8 बजे मिलसी है दिल पिशोरी।